वापस लखनऊ लेकर चलते हैं क्योंकि बीजेपी के कद्दावर नेता हमारी इन सभी जनप्रतिनिधियों पर विश्वास किया है, ये सभी चुनाव जीत करके आए हैं। जनता के सामने आम जनमानस ने इन पर विश्वास किया, आम जनमानस का इन पर एक नया विश्वास प्रकट हुआ है और उस विश्वास पर कहीं भी हमें कोई भी किसी भी प्रकार से उसे अविश्वास में नहीं बदलने देना है। यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए और इस दिशा में प्रयास की शुरुआत कल से मैं देख रहा हूं। माननीय सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया, शपथ ग्रहण करने के बाद जिस सकारात्मक भाव के साथ शपथ ग्रहण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, मैंने देखा है कि कल तक यहां पर 343 माननीय सदस्यों ने एक दिन में ही शपथ ग्रहण कर लिया था। 60 माननीय सदस्य बच गए थे, उनका शपथ ग्रहण अधिकतर ने आज यहां पर अपना शपथ ग्रहण भी संपन्न किया है। और किस सकारात्मक भाव के साथ सब लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे। आज चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अब हमें विकास के बारे में सोचना है, उत्तर प्रदेश के उत्थान के बारे में सोचना है, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के संवर्धन के लिए सोचना है, उत्तर प्रदेश के युवाओं के बारे में, उत्तर प्रदेश की आधी आबादी महिलाओं के बारे में सोचना है।